रिंकू सिंह, हर्षदीप सिंह, श्रेयस अय्यर, वो काली आंधी है जिसके सामने पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम है वो छतग्रस्त हो गई और उस काली आंधी में उड़कर पवेलियन का रास्ता देखने चली गई। आप सभी को बता दूं कि हर्षदीप सिंह और रिंकू सिंह की खतरनाक विस्फोटक गेंदबाजी और बल्लेबाजी देखकर आपके रूह कांप जाएगी। आप सभी को बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की टीम को यहां पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आप सभी को बता दूं कि रिंकू सिंह की बैटिंग देखकर और जब सूर्य कुमार यादव ने वो ट्रॉफी जीतकर रिंकू सिंह और हर्षदीप के हाथ में थमाई, महेंद्र सिंह धोनी भाग कर चले आए बीच मैदान पर उनको बधाई देने के लिए। आप सभी को बता दूं कि रिंकू सिंह ने दौड़कर महेंद्र सिंह धोनी के पैर छुए और महेंद्र सिंह धोनी ने उठकर रिंकू को गले लगाया और उनको काफी ऐसी बात कही जिसको सुनने के बाद आपके भी एक बार रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी महेंद्र सिंह धोनी और रिंकू सिंह को दिल से सलाम करेंगे। आप सभी को बता दें कि T20 की 5 सीरीज रिंकू सिंह और श्रेयस अय्यर और हर्षदीप सिंह की वजह से जीती गई है जो काफी ज्यादा खतरनाक और खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज है। महेंद्र सिंह धोनी यह मुकाबला रिंकू सिंह का देखते रहे और जब सूर्य कुमार यादव ने रिंकू सिंह को ट्रॉफी पकड़ाई तो महेंद्र सिंह धोनी भागते हुए चले आए बीच मैदान पर और रिंकू सिंह को बधाई देने लगे। तभी रिंकू सिंह भाग कर चले आए और उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के पैर छुए। आपको पूरा का पूरा लाइव वीडियो दिखाएंगे कि किस तरीके से लम्हा इतना मस्त लम्हा रहा कि जिसको देखने के बाद आपके भी आंख से आंसू छलक आएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को एक सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। रिंकू सिंह वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसके सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है छतग्रस्त हो गई। हम बता दें कि श्रेयस अय्यर का भी काफी खतरनाक और विस्फोटक बल्ला चला। हालांकि ये इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में जब टॉस उछाला गया तो टॉस है वो ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में जाकर गिरा। लेकिन आप सभी को बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी और कप्तान मैथ्यू हेड काफी ज्यादा खुश हुए टॉस जीतकर। लेकिन टॉस जीतने का मतलब यह नहीं कि आप जो है मुकाबला जीत गए। मैं आप सभी को बता दूं कि ऋतुराज गायकवाड़ और दिग्गज खिलाड़ी मैदान पर उतरे, किसी ने 12 किसी ने 31 रन बनाए। हालांकि इंडिया टीम की जो है बैटिंग काफी ज्यादा खराब रही जिसको सुनने के बाद आप एक बार चौंक जाओगे। मैं आप सभी को बताएं कि ऋतुराज गायकवाड़ ने 12 रन बनाए और खिलाड़ी ने 31 रन बनाए, किसी ने 6 रन बनाए, किसी ने 5 रन बनाए। जी हाँ, 4 ओवर में 5 विकेट और सिर्फ 55 रन बन पाए थे हमारे भारतीय टीम के। सोचने वाली बात है, 4 ओवर में 5 विकेट और सिर्फ 55 रन। मैं आपको बता दूं कि इंडिया टीम की हार निश्चित थी। लेकिन सूर्य कुमार यादव और ऋतुराज गायकवाड़ और रिंकू सिंह और हर्षदीप सिंह का ऐसा दिमागी चला कि मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम धुआं धुआं हो गई। जी हां, मैं आप सभी को बता दूं कि यहां पर जो है अगर हम अपने भारतीय टीम के स्कोर की बात करें तो हमारी भारतीय टीम का स्कोर काफ़ी ज़्यादा कम रहा, सिर्फ 160 रन। आप लोग सोचिए कि इतने घातक और खूंखार बल्लेबाज खेल रहे थे लेकिन रन सिर्फ 160, जो ऑस्ट्रेलिया की टीम के सामने काफी छोटा रन था। जी हाँ, इतने कम रन देखकर ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले मुस्कुराई और खेलने के लिए मैदान पर उतर गई। हमारी तरफ से बॉलिंग करने के लिए भी खिलाड़ी मैदान पर उतर गए लेकिन यहां पर लास्ट ओवर में यानी कि एक ओवर में 10 रन चाहिए थे। जी हाँ, मैथ्यू बर्ड कप्तान को एक ओवर में 10 रन और हमारी तरफ बॉलिंग फेंक रहे थे हर्षदीप सिंह। हर्षदीप सिंह ने एक ऐसा दिमाग लगाया कि यहां पर जो है मैथ्यू बर्ड तो आउट हुए लेकिन उसके साथ में एक और खिलाड़ी रह गया था, वो भी क्लीन बोल्ड हो गया। जी हाँ, मैं आपको बताऊंगा कि वो श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट हो गया। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि जब एक बॉल डाली तो मैथ्यू बर्ड ने एक रन लिया, दूसरी बॉल डाली तो उस पर कोई रन नहीं आया, तीसरी बॉल डाली तो वहां पर उसने चौका मार दिया, लेकिन चाहिए थे 10 रन, अब 6 रन चाहिए थे, 6 रन कहां से लाते। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो है उन्होंने हर्षदीप सिंह ने ऐसी बॉलिंग की जिसको देखने के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम वहीं पर आउट हो गई और ऑस्ट्रेलिया की टीम है वो 2 विकेट के नुकसान पर और 2 रन से हार गई। जी हाँ, मैं आप सभी को बता दूं यहाँ पर रिंकू सिंह को ट्रॉफी पकड़ाई, अवार्ड पकड़ाया सूर्य कुमार यादव ने, हर्षदीप को पकड़ाया और सभी के साथ इंजॉय किया। लेकिन मैं आपको बता दूं रिंकू सिंह ने और सूर्य कुमार यादव ने कहा कि ये ट्रॉफी और ये जीत अकेले मेरी नहीं है, भारतीय टीम की है और 140 करोड़ उन देशवासियों की है जो मेरे फैंस हैं, चाहने वाले हैं। आखिरकार मैंने इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप का आज बदला ले ही लिया है। जी हाँ, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ रोहित शर्मा का जिन्होंने मुझे इतना अच्छा रास्ता दिखाया, जिन्होंने मुझे बताया, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ उन लोगों का जो मुझे चाहते हैं, जो मेरे फैंस चाहने वाले हैं। फिलहाल ये ट्रॉफी मैं रिंकू सिंह को, हर्षदीप सिंह को और अन्य खिलाड़ियों को सौंप रहा हूँ क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। महेंद्र सिंह धोनी ने कहा, रिंकू सिंह तुम ऐसे ही बैठा खेलते रहो, आगे चल के तुम मेरा भी रिकॉर्ड तोड़ो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।